दिस इज़ इजन फैकल्टी मेंस बी एस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर वी आर स्टडिंग ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एंड फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वेंसिंग पार्ट सो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग को हमने समझ लिया है ड्राफ्टिंग की जाती है प्लीडिंग की और कन्वेंसिंग की तो प्लीडिंग पार्ट को हमने ड्राफ्ट कर लिया है अब हम जो है कन्वेंसिंग पार्ट को कैसे कन्वेंसिंग पार्ट जो होता है उसको कैसे डिफ्ट ड्राफ्ट करेंगे या हम आप पढ़ेंगे देखिए कन्वेंसिंग बेसिकली क्या होता है जब वन पर्सन सेकेंड पर्सन को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है उसको हम कन्वेंसिंग बोलते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ा आपने वहाँ पे हर एक टाइप ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बता रखा है आप प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं आप उसको विल कर सकते हैं आप उसको जो है मॉडगेज कर सकते हैं आप उसको लीज कर सकते हैं सो so, उनको कैसे हम ड्राफ़्ट करेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में तो आपने उससे रिलेटेड रूल्स जो प्रोविज़न है उनको तो पढ़ लिया लेकिन एक कन्वेंसिंग को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है ये आप यहाँ पे पढ़ोगे सो so, देखिए जैसे एक प्लेट को ड्राफ्ट करने के लिए आपको प्लीडिंग के बड़े सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र करने में एक डीड बनाने में भी आपको जो है दस्तावेज़ बनाने में भी आपको जो है बड़े सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इनको हम कन्वेंसिंग के रूल्स बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ द कन्वेंसिंग जो है इनको बोलते हैं तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे और उसके बाद जो है हम जो है बड़ी सारी यहाँ पे डीड जो है उनको हम ड्राफ्ट करेंगे तो सबसे पहले कन्वेंसिंग को समझते हैं डीड को समझते हैं और डीड जैसे सेल डीड हो गई मॉडगेज डीड होगी लीज डीड होगी गिफ्ट डीड हो गई इन सभी डीड्स जो हैं इनको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उनके लिए भी कुछ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जैसे आपको प्लेट और रिटर्न स्टेट में कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं तो उनके कंटेंट्स इनको बोला जाता है उनको कैसे बनाया जाएगा उसको पढ़ेंगे कंटेंट्स क्या क्या होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डीड ऑफ द कन्वेंसिंग वट आर इट्स कंटेंट तो दस्तावेज Uh, हस्तांतरण दस्तावेज क्या होते हैं दस्तावेज कैसे बनाए जाते हैं कन्वेंसिंग कैसे की जाती है उसके कंटेंट क्या होते हैं हम देखें इन टू इकोनॉमिक वर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द डीलिंग आर डन थ्रू द कॉम्पोजिशन डीड तो जनरली आज के इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में कोई भी ट्रांजेक्शन की जाती है तो वो दस्तावेजों के थ्रू ही की जाती है इधर इट्स सेक्शंस ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेल और मॉडगेज लीज और गिफ्ट सच कॉम्पोजिशन कंपोजिशन डीट्स आर कॉल्ड कन्वेंसिंग डीट तो किसी भी प्रकार की जब आप कोई सेल करते हैं कोई मॉडेज करते हैं कोई लीज या गिफ्ट आप करते हैं तो उस डीट को कम्पोज जिस तरीके से किया जाता है दस्तावेज को जिस तरीके से कंपोज किया जाता है उसी को हम कन्वेंसिंग डीट जो यहाँ पर बोलते हैं डीट को बेसिकली हम दस्तावेज बोलते हैं मीनिंग क्या है दर्ड कन्वेंस लिटल मीनिंग्स इज वर्क ऑफ कन्वेज लैंड तो कन्वेस कन्वेनेंस का जो मीनिंग होता है जहाँ पे आप जो है लैंड को कन्वे कर देते हैं किसी और को हस्तांतरित कर देते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं व्हेन सच वर्क इज़ डन थ्रू द कंपोजिशन डील और जब ये आप, आप काम जो है अपना एक डीड बना के एक दस्तावेज़ बना के करते हैं तो इसी को हम कन्वेंसिंग बोलते हैं द वर्ड कन्वेंसिंग मेड फ्रॉम द वर्ड कन्वे विच लीगल मीनिंग्स टू कैरी तो ये जो कन्वेंसिंग का जो प्रॉपर मीनिंग है ये कहां से लिया गया है कन्वे से लिया कन्वे मतलब होता है टू कैरी करना दे देना टू ट्रांसमिट करना दे देना टू इंपोर्ट करना टू डिपार्चर मतलब अपने से चीज़ किसी दूसरे को डिपार्ट कर देना निकाल देना ये कन्वे के जो है मीनिंग होते हैं जनरली ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ डन बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जनरली किसी प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर की जाती है बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की जाती है बिटवीन द ट्रांसफररर एंड ट्रांसफरी ट्रांसफरर जो वो प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर transfer करा ट्रांसफरी वो जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है द कन्वेंसिंग आर मेड अप

सॉरी ड्यूटीफुल इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द सच इंटेंशन कन्वेंसिंग डीड कंपोजिंग डीड एंड द ड्यूमेंट आर एग्जीक्यूटेड इट इज कॉल्ड डीड ऑफ कन्वेंसिंग तो ये जो uh, आशय होता है दोनों की पार्टी की जो मंशा होती है वो ड्यूटीफुल होती है दोनों की कुछ ड्यूटीज़ वहाँ पे होती हैं और उन ड्यूटीज़ को जो है बेसिकली अच्छे से कंपोज किया जाता है डीड में दस्तावेज़ में और उनको एग्जीक्यूट वहाँ पे किया जाता है इसी को हम जो है एक्ट ऑफ डीड ऑफ कन्वेंसिंग जो है यहाँ पर बोलते हैं अब देखिए हर एक डीड जब बनाएंगे तो कुछ बेसिक कंटेंट आपको फॉलो करने हैं कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाएगी ये आपको यहाँ पर बता रखा है राइटिंग अ डीड ऑफ द कन्वेंसिंग इज़ एन आर्ट तो डीड को दस्तावेज को प्रॉपर्टी के दस्तावेज को किस तरीके से प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करना है उसके जो दस्तावेज बनाने हैं उनको बनाना भी एक आर्ट है द एक्सपीरियंस पर्सन एडवोकेट और डॉक्यूमेंट राइटर कैन ऑल डू दिस वर्क एक एक्सपीरियंस पर्सन एडवोकेट या डॉक्यूमेंट राइटर जो होते हैं वो ही इस काम को अच्छे से कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द डीड ऑफ कन्वेंसिंग दिस थिंग्स शुड बी टेकन इन टू अकाउंट दैट नो लीगल पॉइंट्स रिमेन लेफ्ट एंड इट शुड बी लॉफुल तो जब भी हम एक दस्तावेज को कंपोज कर रहे होते हैं बना रहे हैं एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर अप थ्रू दस्तावेज कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि कोई लीगल पॉइंट वहाँ पर छूट ना जाए और ये पूरी डीड जो है वो लॉफुली बने तो फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी डिस्क्राइब इन द डीड ऑफ द कन्वेंसिंग इन चीज़ों का ध्यान जो है जब हम एक डीड बनाते हैं तो रखा जाता है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड सबसे पहले आप जो है जिस तरीके से जब आप प्लेट बना रहे थे या क्रिमिनल ड्राफ्टिंग वहाँ पे कर रहे थे तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिख रहे थे यहाँ पे आप कौन सी डीड बना रहे हैं उसको आपने लिखना है तो सबसे पहले आप वहाँ पे टाइटल देंगे जैसे द डीड ऑफ द सेल द डीड ऑफ द लीज द डीड ऑफ द मॉर्गेज अ डीड ऑफ द गिफ्ट ये सबसे पहले आपको उस डीड का टाइटल यहाँ पे देना होता है टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो दस्तावेज है वो किसके रिगार्डिंग है तो सबसे पहले आपको डीड की डिस्क्रिप्शन वहाँ पे देनी होती है उसके बाद पार्टीज टू द डीड अब आपको सेकेंड पार्ट जो इसका होगा वहाँ पे आपको पार्टीज की डिस्क्रिप्शन देनी है उस डीड में कौन कौन सी पार्टी हैं प्रॉपर्टी लेने वाला और प्रॉपर्टी देने वाला कौन है परचेजर कौन है और बायर कौन है इसके अलावा मॉट कौन है मॉटगेजी कौन है ट्रांसफरर कौन है ट्रांसफरी कौन है इस तरह तो लेसर कौन है लेसी कौन है डॉनर कौन है डॉनी कौन है इन द केस ऑफ गिफ्ट डीड इस तरीके से हमें पार्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होती है किस तरीके से देंगे आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड द डिटेल ऑफ द पार्टीज टू द डीड आर मैंशन तो आपको पार्टीज की डिटेल देनी है जनरली डीड हैजू पार्टी डीड में दो पार्टीज होती हैं सेल डीड में लीज में और कुछ डीड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिंगल पार्टी जैसे विल क्योंकि विल जो है आप जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं विल में वसीयत में उसका मेंशन उसके बारे वो उस डीड में नहीं भी हो सकता है ठीक है जी आप मरने से पहले जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसको दे दी जाए तो सिंगल पार्टी डीड भी होती है जैसे एडवोकेसी हो गया विल हो गया और जो है टू पार्टीज़ भी होती हैं जैसे सेल सेल में दोनों पार्टीज़ वहाँ पे होनी चाहिए लीज़ में दोनों पार्टीज़ वहाँ पे होनी चाहिए इसके अलावा मॉर्टगेज uh, में दोनों पार्टीज़ वहाँ पे होनी चाहिए अब आपको बताने वहां पे फैक्ट आफ्टर देन द फैक्ट्स आर मेन्शन द डीड अंडर दिस मेनली रिक्वायरमेंट और ट्रांजेक्शन मैंशन वाई नीड ऑफ द सेल और प्रॉपर्टी अरोज हैज़ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड तो यहाँ पर आपको फैक्ट बताना है इसमें आपको क्या बताना होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो भी आप डीड बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी या फिर आप कोई वहाँ पर जो है गिफ्ट कर रहे होंगे तो वो आप क्यों कर रहे हैं और एक्चुअल में प्रॉपर्टी का मालिक कौन है ये चीज़ें आपको बतानी है उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फोर्थ पॉइंट में जिसकी भी प्रॉपर्टी उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है कि ये प्रॉपर्टी इस एरिया में सिचुएटेड है और इसका वो एब्सुलेंट ऑनर है लेटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज मैंशन विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांजेक्शन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी गिवन इन दिस वे दैट द लैंड कैन बी आइडेंटिफाइड तो लैंड को अच्छे से आइडेंटिफाई वहाँ पे किया जा सके इफ सब्जेक्ट मैटर इज एग्रीकल्चर लैंड देन ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू द इट्स रेवेन्यू शुड बी गिवन अगर प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्ट जो है प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसके रेवेन्यू से रिलेटेड सारी जानकारी इफ इट इज़ एनी हाउस अगर वो घर है शॉप है तो उसकी डिस्क्रिप्शन एरिया की किस एरिया में लोकेटेड है उसके पास में रोड कौन सा है कौन सी म्यूनसिपैलिटी वहाँ पर आती है सारी चीज़ें मीन्स प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देनी है उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द चार्जेस अगर उस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे या उस हाउस पे या उस शॉप पे किसी तरीके का चार्ज है तो उस चार्ज की जिम्मेवारी भी देनी है और अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो आपको ये बताना है कि लैंड इज़ टोटली फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस तो अगर कोई चार्ज क्रिएट है उस प्रॉपर्टी पे तो आपको बताना है मान लीजिए कि मॉडगेज प्रॉपर्टी मॉडगेज की गई कोई लोन लिया गया है या फिर किसी तरीके की और वहाँ पर चार्ज अप्लाई हैं तो उन चार्ज की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अगर चार्ज नहीं है तो आपको बताना है कि किसी भी तरीके का चार्ज जो है वहाँ पर नहीं है नेक्स्ट रिजर्वेशन इफ द ट्रांसफर रिजर्व एनी राइट इन द प्रॉपर्टी दैन इट शुड बी क्लियरली स्टेट लाइक पैसेज राइट राइट टू टेक वाटर अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप उस प्रॉपर्टी में स्टिल कोई अपना राइट right रखना चाहते हैं तो आपको उसको रिजर्वेशन क्लॉज में बताना होगा कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा राइट right जो है हमेशा बना रहेगा मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेकिन मेरा पैसेज राइट टू टेक वाटर कुछ ऐसे राइटर जिनको आप रिजर्व रखना चाहते हैं उनको आप रख सकते हैं और बाद में आपके uh, कॉवनेंट्स यहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ऑल दोज कंडीशन बिटवीन द पार्टीज बाय विच पार्टीज आर बाउंड इसके अलावा कॉवनेंट में आप जो हैं दोनों पार्टीज जो भी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन जो हैं उस डीड्स के रिगार्डिंग लगा रहे हैं वो वहां पर बतानी है तो कॉवनेंट्स को, में जनरली जो भी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो वहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि बहुत पार्टीज को फॉलो कर सके उसके बाद एविडेंस इट इज़ कॉल्ड टेस्टामोनियम इट टेस्टिमोनियम, द डीड एंड ऑल्सो स्टेट्स दैर द पार्टीज हैव साइन द डीड तो यहाँ पे आपको इसको एविडेंस देना होता है इसको साइन करना होता है इसको टेस्टोमोनीम भी बोलते हैं जहाँ पे आप डीड को भी बताएंगे कि दोनों पार्टीज़ ने उसको डीड को वहाँ पे साइन कर दिया और लास्ट में फिर आपको वहाँ पर क्या करने होते हैं सिग्नेचर करने होते हैं इन द एंड ऑफ द डीड सिग्नेचर इज डन बाय द पार्टीज विटनेस एंड टेस्टीमोनीय तो यहाँ पे एविडेंस जो है एविडेंस कैसे होता है जब वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर और विटनेस के सिग्नेचर वहाँ पे हो जाते हैं तो उसको ही हम एविडेंस बोलते हैं और ये टेस्टामोनियम पार्ट जो है बोला जाता है इस तरीके से आप ये कंटेंट को ध्यान में रखिए और कोई भी डीड आप बना सकते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक सेल डीड लीज डीड और रेंट डीड जो है बनाई जा सकती है तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी डीड आपको बनानी है तो पहले आपको डीड का टाइटल देना है तो ये रहा आपका डीड का टाइटल आपने टाइटल दे दिया सेल डीड अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करना होता है पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो इस तरीके से ही पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जाती है चाहे कोई भी डीड आप बना रहे हो बस वहाँ पे जो जिस पर्पस के लिए डीड बना रहे हैं उसका नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा देखिए दिस डीड मेड ऑन इसी तरीके से लिखा जाएगा दिस डीड मेड ऑन तारीख लिखी जाएगी बिटवीन ए सन ऑफ बी ए सिक्सटी ईयर रेजिडेंट ऑफ ये आप बता देंगे ये आपने बताने के बाद होम हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द सेलर तो यहाँ पे आपने बता दिया कि ये सेल डेट जो है इतनी तारीख को जो है बन रही है बिटवीन ए सन ऑफ बी ए रेजिडेंट ऑफ जिसको अब हम क्या बोलेंगे सेलर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे हु इज द फर्स्ट पार्टी और यहाँ पे वो क्या है फर्स्ट पार्टी है एंड क्योंकि बिटवीन लगाया है यहां पे अब एंड सी सन ऑफ डी एज फोर्टी सेवन ईयर रेजिडेंट ऑफ हुम हेर एन आफ्टर कॉल्ड द परचेजर और अब दूसरी पार्टी के आप बता रहे हैं सी सन ऑफ डी है ए जितनी है रेजिडेंट है, है और हेर एन आफ्टर वो यहाँ पर क्या है परचेजर है और ही इज़ अ सेकेंड पार्टी ऑफ द डेड और वो पार्टी की सेकेंड डेड है एग्जीक्यूटेड इन सिटी और इस डीड को कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है सिटी में एग्जीक्यूट किया जाता है एक सेल डीड आप बना रहे हैं अब मान लीजिए यहाँ पे गिफ्ट डीड है तो आप लिखेंगे गिफ्ट डीड और यहाँ पे भी गिफ्ट डीड आ जाएगा वैसे पार्टीज़ के नाम तो है हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे और जहाँ पर आप परचेजर लिख रहे हैं यहाँ पर आप डॉनर और डॉनी वहाँ पर कर देंगे तो सिर्फ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेंज होगी बाकी इसी तरीके से हर एक डीड में पार्टीज के नाम जो है लिखे जाते हैं उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फैक्ट्स बताने होते हैं दैट द लैंड ऑफ द फर्स्ट पार्टी सेलर ऑनरशिप एंड स्टैब्लिशमेंट इज सिचुएटेड इन द एरिया हुज डिटेल और डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन अटैच तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो लैंड जो है फर्स्ट पार्टी जो फर्स्ट uh, पार्ट आप बता रहे हैं कि, कि आपको बताना है कि वो प्रॉपर्टी का एप्सोट ऑनर है ये आपको बताना है ऊपर आपने कंटेंट में पढ़ा तो आप यहाँ पे बता रहे हैं द लैंड ऑफ द फर्स्ट पार्टी सेलर ऑनरशिप एंडबलिश इज सिचुएटेड तो जो फर्स्ट पार्टी की जो लैंड है यहाँ पे जो कि इस केस में फर्स्ट पार्टी है जो कि यहाँ पे सेलर है वो उसका एबसोल्यूट ऑनर है एंड स्टेब्लिशमेंट इज सिचुएटेड इन इस में एरिया में प्रॉपर्टी है बीकानेर एरिया में हुज हुजिटेल डिस्क्रिप्शन इज गिवन अटैच लिस्ट और आप एक अलग से डॉक्यूमेंट लगाएंगे अटैच डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रॉपर्टी की टोटल डिटेल आपने दे रखी होगी इसलिए यहाँ पे बता रखा है हुज हुजेल डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन अटैच लिस्ट एंड द वन डॉटर अब आप काउ बताएंगे कि क्यों आप प्रॉपर्टी को वहाँ पर बता रहे हैं जिसमें फैक्ट में वो चीज़ भी आपको बतानी है एंड वन डॉटर ऑफ द फर्स्ट पार्टी इज़ अबाउट टू गेट मैरिड तो पहली पार्टी जो कि सेलर जहाँ जमीन जो वो बेच रहा है वो जो है यहाँ पर पहली पार्टी जो है उसकी बेटी की शादी होने चाहिए होने वाली है सो ही नीड मनी फॉर दिस इसके लिए उसको पैसे चाहिए दज ही डिसाइडेड टू सेल हिज लैंड इसलिए वो अपनी ये जो लैंड uh, जो है इसको सेल करना चाहता है सेकंड पार्टी को एंड सेकंड पार्टी जो है इस लैंड को लेने के लिए तैयार है दस दिस डीड टेस्टामोनिज दैट अब यहां पे आपने यहां पे इसको टेस्टामोनीज कर दिया है मतलब सारे जो है पॉइंट आप यहां पे सारी कॉवन आप यहां पे टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पे आप बता रहे हैं फर्स्ट पार्टी प्रपोज टू सेल हिज अबव लैंड इन टू लैख रुपीज टू द सेकंड पार्टी विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हिम तो आप सारी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे इस डीड की आप बता रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी जो है उसने अपनी इस जमीन को बेचने का प्रपोजल जो है दो लाख में दिया है जिसको सेकेंड पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है पहला पॉइंट दूसरा फर्स्ट पार्टी रिसीव फिफ्टी थाउजेंड एज ए कंसलेशन बाय द सेकंड पार्टी ऑन डेट विच वॉज एडवांस एंड रेस्ट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेलड्र तो फर्स्ट पार्टी जो है उसने पचास हज़ार रुपये एज ए कंसिड्रेशन जो है सेकेंड पार्टी से ले लिए इतनी तारीख को जो कि एक एडवांस था और बाकी सारा अमाउंट जो है रेस्ट अमाउंट जो है कैश में दिया जाएगा जब उस सेल डीड की रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट द एक्सपेंसिज ऑफ द एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड आर बियर बाय द परचेजर ये जो सेल डीड का एग्जीक्यूशन का और रजिस्ट्रेशन का जितना भी खर्चा आएगा ये परचेज़र लेनदार जो होगा वो बेयर करेगा द अबव लैंड इज़ फ्री फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ चार्जेस जहाँ पे आप बता रहे कि ये जो प्रॉपर्टी हर तरीके के चार्ज से फ्री है मतलब इस पर कोई भी कर्जा नहीं है किसी तरीके का चार्ज इस पर क्रिएट नहीं हुआ है आपने इस प्रॉपर्टी को कहीं पे गिर भी नहीं रख रखा ये सारी चीज़ें इसमें बताएँगे द अबव लैंड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ चार्जेस इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज इन फ्यूचर रिगार्डिंग टू द टाइटल द लैंड देन फर्स्ट पार्टी शेरबी लेवल और कल को अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोकती है तो पहली पार्टी इसके लिए जिम्मेवार होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल द टाइटल और ऑनरशिप ऑफ द परचेजर वेस्ट इन लैंड एंड इट्स राइट हैज़ ऑल्सो गिवन टू द परचेजर तो जिस दिन सेल डी जो है इसका टाइटल जो ऑनरशिप ऑफ परचेजर को दे दिया है अब परचेजर का इस प्रॉपर्टी पे इस लैंड पे जो है उसका राइट जो है टाइटल जो है वेस्ट हो गया है निहित हो गया है अब परचेजर का पूरा राइट इस पर बनता है नाउ नो राइट ऑफ द सेल इज रिमेन इन दिस लैंड अब यहाँ पे ये यह भी बता रहा है कि अब सेलर का कोई भी राइट इस प्रॉपर्टी पे नहीं रहता है परचेजर कैन यूज़ द प्रॉपर्टी एज़ पर द रिक्वायरमेंट परचेजर जो इस प्रॉपर्टी को जैसा मर्जी चाहे उसका यूज़ कर सकता है इसको ट्रांसफर किसी को आगे फर्दर बेच भी सकता है सेलर एंड द ब्रदर इन लॉ एंड हायर्ज विल नॉट एनी ऑब्जेक्शन सेलर जो है जो बेचने वाला है वो उसके भाई और उसके जो बाकी उत्तराधिकारी हैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे दैट आफ्टर द डेट ऑफ द सेल ऑल टैक्स फीस और चार्जेस रिगार्डिंग दैट लैंड शैल बी पेड बाय द परचेजर अब इस सेल डेट के बाद इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी टैक्सेस होंगे फीसेज होंगे चार्जेस जो होंगे ये अब कौन पे करेगा परचेजर पे करेगा क्योंकि उसने अब उसको खरीद लिया वही पे करेगा

आ, आ, इस डीड पे साइन कर, कर दिया है विटनेस कर दिया है इसको वलेंटरीली अपनी इच्छा से एंड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस और कुछ आ, कुछ विटनेसेस और भी यहाँ पे दिए गए उनके प्रेजेंस में इसको साइन अप कर दिया है तो विटनेस पार्ट यहाँ पे हो गया विटनेस पार्ट में यहाँ पे पहले विटनेस के, के नेम एंड एड्रेस होगा उसके साइन होंगे सेकंड विटनेस के नेम एंड एड्रेस साइन होंगे और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे सेलर के फिर होंगे परचेजर के इस तरीके से आप एक सेल डीड यहाँ पे बना सकते ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन फिफ्टी फोर में सेल को बता रखा है और सेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है ये आपने यहां पे देख लिया अब एक लीज डीट कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं तो ए, एक डीड ऑफ़ लीज़ इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा वही चीज़ें रहेंगी सबसे पहले आपको टाइटल देना है डीड ऑफ लीज आपने लिख दिया आप अपनी इमोल प्रॉपर्टी को फॉर सम टाइम किराए पे देना चाहते हैं तो किराए पे किस तरीके से देंगे आ, अब सेल और लीज़ में फ़र्क होता है यू you नो know, सेल में तो प्रॉपर्टी एप्सोलूटली ट्रांसफर हो जाती है लीज़ में कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी जाती है उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं सेकेंड पर्सन उसको सिर्फ यूज़ के लिए लेता है

जो कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा लेसर हैज़ एन एम टी लैंड सिटुट इन द अजमेर सिटी हुम ही इज़ द ओनली ऑनर एंड राइट होल्डर हुज डिटेल डिस्क्रिप्शन हैज़ उसने यहाँ पे बता दिया कि उसके पास एक एम टी लैंड जो है अजमेर सिटी में पड़ी हुई है जिसका वो एब्सलूट ऑनर है और उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो सारी शेड्यूल में लगा दी गई है जैसे कि आपने पहले वाली डीड में भी पढ़ा Uh, that the lesser एक्सप्रेस his desire to make एंड temporary construction. A पर्पज़ क्या है इस लीज डेट का वो आप यहाँ पे बता रहे हो फैक्ट में आपने ऊपर पढ़ा कंटेंट uh, में जब आप पढ़ रहे थे That द लेसर एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू मेक एंड temporary कंस्ट्रक्शन ऑन द above लैंड एंड वॉन्ट टू टेक हिम लैंड ऑन द लीज तो यहाँ पे जो लेसर जो है uh, जो यहाँ पे जो आपके पास लेसर है uh, वो क्या करना चाहता है लस्सी जो है यहाँ पे क्या करना चाहता है एक टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन करना चाहता है उस लैंड पे और इसलिए इस लैंड को वो लीज़ पे खरीदना चाहता है और लेसर जो है इसको लेस्सी को देने के लिए तैयार यहाँ पे है लेसी कौन है जो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेगा और तो ये सारी चीज़ें बता दी अब यहाँ पर से उसको करना है उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे कॉवनेंट इसका करना है लेसर इज गिविंग दिस लैंड ऑन द लीज लेस, दस्सी फॉर द थर्टी ईयर लेसर जो है इस जो है प्रॉपर्टी uh, को लेसी को तीस साल के लिए किराए पे दे रहा है लेसर शेल हैव ऑल द राइट्स टू द एक्सटेंड दिस टाइम ड्यूरेशन और नॉट टू रिव्यू दिस लेस लीज और नॉट लेसर के नॉट क्लेम टाइम एज अ राइट तो यहाँ पे लेसर जो है इसका टाइम एक्सटेंड कर भी सकता है तीस साल से ऊपर कर भी सकता है ये नहीं कर सकता ये सारा राइट right लेसर के पास रहेगा लेस्सी इसमें कुछ नहीं कर सकता मतलब वो आगे बढ़ाए ना बढ़ाए ये लेसर पे डिपेंड करता है लेसर हैज़ रिसीव्ड अमाउंट बता दी जहाँ पे एज कंसडेशन एंड हैज़ गिवन इट्स रिसीव्ड टू द लेसी तो लेसर ने इतना अमाउंट जो है रिसीव कर लिया है और उसकी रिसीव जो है लेसी को दे दी है लेसी शैल मेक कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड विद वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द लीज एंड ही इज़ फ्री टू तो लेसी जो उस उस जगह पर एक टेम्प्रेरी जो है जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहता है वो एक साथ के अंदर वहाँ पर वो कर देगा ले कैन गिव दिस लैंड ऑन सब रेट तो देखिए रेंट डेट की कुछ कंडीशंस होती हैं आपने लैंड लॉ में टेनेंसी एक्ट के अंडर भी जो है रेंट की कुछ कंडीशंस पड़ी कि कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हैं कि किसी देखिए की कि सब लीज़ जो है यहाँ पे नहीं होगी ये जो लीज ऑलरेडी बन चुकी है लेस लेसी कहीं आगे इस प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकता है लेसी शैल पे द एनअल रेंट टेल द डेट टू द लेसर और लेसी जो है एनुअल रेंट जो है इतना इतनी तारीख से पहले हर साल जमा करवाएगा इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द लेसी टू पे ऑल टैक्सेज ऑन फीस ऑन लैंड इसके अलावा ये लेसी ही ड्यूटी रहेगी कि उस प्रॉपर्टी से लेट जितने भी टैक्सेज और फीस होगी वो पे करेगा लेसर कैन कैंसिल द लीज़ ऑन द वायशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द लीज इसके अलावा अगर ले कोई भी कंडीशन ब्रीच करता है उस इस लीज डीड की तो लेसर कभी भी जो है इस लीज को कैंसिल कर सकता है अब यहाँ पे आपका विटनेस पार्ट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टिमोनियम भी बोलते हैं इन विटनेस पेयर ऑफ उसी तरीके से लिखा जाएगा बोथ पार्टी हैव साइन वॉलेंटली एंड विद देयर कंसेंट दोनों पार्टीज ने यहाँ पे साइन जो अपनी इच्छा से और आ, से कर दी है एंड कंसेंट ऑन द लीज डेट ऑन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस अपनी इच्छा से अपनी सहमति वहाँ उस पर दे दी है और उन्होंने साइन जो है इन द फॉलोइंग टू पर्सन जिनके आपने विटनेस भी बताने हैं विटनस नंबर वन है विटने विटनेस टू के साइन कर दिए देखिए विटनेस क्लॉज हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है इसको याद कर लें आप इसको ऐसे ही लिखा जाता है और दो विटनेस के साइन यहाँ पे आ जाएंगे सिग्नेचर आ जाएंगे लेसर और लेसी के इस तरीके से आप एक डीड बना सकते हैं अब इसी तरीके से आपके पास रेंट डीड है तो रेंट डीड भी ऐसे तरीके से ही बनाई जाएगी इसमें भी आप सबसे पहले टाइटल देंगे रेंट डीड का एक टाइटल होगा और यहाँ पे आप बता देंगे कि दिस रेंट डीड अब यहाँ पे ना तो सील डीड आएगा ना गिफ्ट डीड आएगा ना लीज डीड आएगा यहाँ पे क्या आएगा रेंट डीड आएगा रेंट डीड बना रहे हैं बाकी सारा पैटर्न वैसे का वैसा ही रहेगा अब आपको क्या बताना है द फर्स्ट पार्टी एज हैज़ अ हाउस क्योंकि आप प्रॉपर्टी की डिटेल बता रहे हैं आप उसके ऑनर हैं ये बता रहे हैं उस पर कोई चार्ज नहीं ये भी आप बता रहे हैं ये आपको पता है कंटेंट में आपने पढ़ा दैट द फर्स्ट पार्टी हैज़ अ हाउस इन द श्रीगंगानगर हु इज डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन द अटैच शेड्यूल तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टी बता रही है कि फर्स्ट पार्टी यहाँ पे बता रही है कि श्री गंगानगर में उसका एक घर है और इसकी सारी घर की डिटेल जो है शेड्यूल में अटैच कर दी गई है तो रेंट डीड में पार्टीज का नाम क्या होते हैं लैंड होल्डर लैंड लॉर्ड और टेनेंट जो है पार्टीज के नाम यहाँ पे uh, होंगे ठीक है अब द अबव हाउस हैज़ थ्री रूम आप प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल दे रहे हैं हाउस uh, के तीन रूम हैं वन किचन है वन यार्ड है बाथरूम है लेटरिन है सेकेंड पार्टी वॉन्ट टू टेक दिस ऑन द रेंट फॉर हिम और हिज फैमिली और हु फर्स्ट पार्टी इज एग्रीड तो सेकेंड पार्टी जो है इस घर को अपनी फैमिली के लिए किराए पर लेने चाहते हैं जिससे फर्स्ट पार्टी जो है एग्री हो गई है अब आपको क्या करना है ऑब्वियसली आपने प्रॉपर्टी की डिटेल बता दी आपका पर्पस क्या है ये आपने बता दिया अब आपने इस रेंट डेट को क्या करना होता है टेस्टीमोनियम करना होता है टर्म एंड कंडीशन कॉवनट यहाँ पे बताने होते हैं क्या क्या टर्म कंडीशन होंगी दैट द रेंट ऑफ दैट हाउस शेल बी सेवन हंड्रेड पर मंथ चार्ज ऑफ द वाटर इलेक्ट्रिसिटी शेल बी सेपरेट तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि इस घर का जो किराया होगा सात सौ रुपये पर महीना होगा और इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा ये सेपरेटली पे किया जाएगा दैट द टेनेंट शेल पे द रेंट ऑफ द हाउस पर मंथ बाय द फिफ्टी डेट ऑफ द ईच मंथ ऑन द टू द लैंड लॉर्ड एंड शेलि रिसीव्ड ऑफ दैट तो जो किराएदार होगा वो महीने की पंद्रह तारीख से पहले किराया जमा करा देगा और लैंड लोड से उसकी रिसिप्ट ले लेगा द अमाउंट ऑफ द रेंट शल इंक्रीज़ विद फाइव परसेंट पर एन्यूम एंड द रेंट अमाउंट शल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टनेंसी टेनेंसी एक्ट आपने पढ़ा है वहाँ पर रेंट जो है पाँच परसेंट पर एन्यूम की रेट से इंक्रीज़ किया जा सकता है तो वो किया जाएगा इसके अलावा Tenant shall यूज़ द premises ओनली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा रहा है कि tenant जो है किराएदार इस प्रॉपर्टी का यूज वो रेजिडेंटल पर्पस रहने के लिए करेगा किसी और चीज के लिए किसी ट्रेडिशन किसी ट्रेड के लिए, लिए बिजनेस के लिए नहीं करेगा Tenant विल नॉट sublet the और एनी पार्ट ऑफ द the विदाउट द कंसेंट consent द the ऑफ द लैंड landlord. इसी तरीके से टेनेंट किसी भी तरीके की लेट uh, sublet जो है इस premises को नहीं करेगा विदाउट द permission, ऑफ द कंसेंट और द परमीशन ऑफ द लैंड लॉर्ड टेनेंट विल कीप द प्रोमाइस गुड कंडीशन दी है टेनेंट की किराएदार की जिम्मेवार होगी कि वो उस घर को जो है अच्छी कंडीशन में रखेगा किसी तरीके का डैमेज वहाँ पर नहीं करेगा और कोई सब सेंशल चेंजेस जो है टेनेंट वहाँ पर नहीं करेगा टेनेंट विल नॉट क्रिएट एनी न्यू सेंस इन द प्रोमाइस किसी तरीके का न्यू सेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा और अगर वो टेनेंट विल नॉट डू और विल नॉट मेक एनी वन टू डू एनी इलीगल और इमोरल एक्ट किसी तरीके का इलीगल और इमोरल एक्ट जो है उस प्रॉपर्टी पर वो नहीं करेगा दैट द ड्यूटी ऑफ द रिपेयरेशन शैल बी लैंड लॉड बट ड्यूटी टू पेंट द विल बी ऑन द रंट तो लैंड uh, लॉर्ड की ड्यूटी रहेगी कि वो घर को रिपेयर करा सकता है लेकिन पेंट करने के जो duty की जो हो ड्यूटी होगी वो टैलेंट की होगी मकान मालिक कैन एविक्ट दाउस ऑन द वायशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द रेंट यहाँ पर यह भी कंडीशन लगा दी है क्योंकि इसमें अपने कंडीशन बताने थे कि लैंड जो है कभी भी घर को खाली करा सकता है अगर ऊपर लिखित कोई भी कंडीशन वहाँ पर ब्रीच की जाती है अब यहाँ पे विटनेस पार्ट विटनेस पार्ट में आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है इन द विटनेस वेयर ऑफ बोथ पार्टी हैव साइंड वलेंटली एंड विद ड्यू कंसेंट ऑन द रेंट डीड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेस यहाँ पे दो विटनेस के साइन आ जाएंगे यहाँ पे सिग्नेचर टी और लैंड के आ जाएंगे सो so, इस तरीके से आप जो है एक कन्विंसिंग यहाँ पे कर सकते हैं रिलेटेड टू सेल डीड रिलेटेड टू रेंट डीड थैंक यू सो मच